महिला आयोग ने दो दिन से डाल रखा है मुरादाबाद के अंदर डेरा। मुरादाबाद के सर्किट हाउस में दो दिन से महिला संरक्षण के लिए की जा रही है मीटिंग, फिर भी नहीं रुक रहा महिलाओं पर अत्याचार। ऐसा ही एक मामला मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत ठीकरी से सामने आया है। आपको बताते चले, रहमान ने अपनी लड़की की शादी करीब दो वर्ष पूर्व हरदम अली पुत्र भूरा निवासी ग्राम मंसूरपुर से मुस्लिम रीति रिवाज से की थी। शादी के कुछ दिनों बाद से ही ससुराल वालों ने लड़की से 1,00,000 रुपये और मोटरसाइकिल की मांग करने लगे, लेकिन लड़की ने जब ससुराल वालों से मना किया तो ससुरालियों ने विवाहिता को पीट पीट कर किया बुरा हाल। आपको बताते चले, महिला एक बच्चे की माँ है और ससुराल पक्ष के लोग उसके साथ दहेज की मांग करते थे और मारपीट करते थे। वही महिला की पिटाई के कारण हालत खराब होने के बाद लड़की अपने मायके ठीकरी चली आई और परिवार वालों ने भोजपुर पीपलसाना क्षेत्र के कई पुलिसकर्मियों से और थाना अध्यक्ष से शिकायत की थी, मगर अत्याचार करने वाले व्यक्तियों के ऊपर कार्यवाही नहीं हो पाई, जिसकी वजह से महिला डिप्रेशन में चली गई और अंदरूनी चोटें होने के कारण इलाज के दौरान मौत हो गई। अब देखना यह होगा कि पुलिस इन दहेज लोभियों के ऊपर क्या कार्यवाही करती है। महिलाओं के सम्मान की और सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर सभी फेल होती नजर आ रही है। ससुराली वालों ने मारा, जेठ ने और जमाई ने। अच्छा, क्या कारण था मारने का? कारण तो है को मारे करे और भेजते करे। क्या कहते थे? है ना, वो इलाज तुम करो। अच्छा, है ना, दहेज की मांग, पैसे दो, ये है वो है। कितने दिन से इनके साथ ये मारपीट का सिलसिला चल रहा था? कम से कम 2 साल हो गए। 2 साल से? फिर उसके बाद ही आपके घर आ गई? हाँ, घर ही आ गई। क्या किसी पुलिस से शिकायत की आपने कभी? भोजपुर थाने में शिकायत की। क्या उन्होंने कोई एक्शन लिया उनके खिलाफ? कुछ भी एक्शन नहीं लिया। क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, इंसाफ हो गया हमारे लिए। उन्होंने मारा। कौन कौन लोग हैं इनके परिवार में जो इनको जो टॉर्चर करते थे? एक तो हरदम अली है और हाकाम अली और जेठानी है। क्या चाहते थे वो इनसे? यही चाहते हैं, इसे मारा और भेज दिया और वो मिला हुआ रहेगा राज जेठानी से अपने, जो तुम्हारे बहन हुई थे। हाँ, दहेज की मांग करी। क्या मांग करी? दहेज ना, हमें वो दो छोचक दो और सब कुछ दो, लौटा हुआ तो वो गाड़ी दो। अच्छा, हाँ, मारपीट करोगे?